बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद आर्ट चैनल से मैं मिसिज हारून गिलानी आपसे मुखातिब हूँ। आज हम आपको बालूशाही बनाना बता रहे हैं। बालूशाही शादी ब्याह खुशी के मौके पे बहुत शौक से खाई जाती है, बहुत शौक से बांटी जाती है और ख़ास सौगात के तौर पे भेजी भी जाती है रिश्तों में एक दूसरे को देने के लिए। बालूशाही जिसको हम बालूशाही के और भी नाम हैं और लेकिन ये कि ज़्यादा मशहूर इसका नाम बालूशाही ही है। तो मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ। इसके इंग्रेडिएंट जो मैंने लिए हैं, मैदा मैंने लिया है 2 कप, इस कप से मैंने नापा है। आप जो भी कप लें, प्याली लें, कप लें तो इस हिसाब से लें, जो भी मेजरमेंट लें उसी से चीनी उसी से सारा कुछ आपने डालना है। और इसी कप से मैंने चीनी 2 कप ली है, 2 कप जैसे मैदा लिया है 2 कप ही चीनी ली है और 2 कप ही इसमें पानी डाल के शीरा तैयार करूँगी। और आधी प्याली मैंने घी की ली है जो जिससे इसको गूंदना है डो को। और इसमें इलायची पाउडर डलेगा 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून जो है वो बेकिंग पाउडर डलेगा और थोड़ा सा फूड कलर डलेगा ऑरेंज फूड कलर। बस ये चीज़ें टोटल डलेंगी इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं है। पानी कुछ पानी भी इस्तेमाल करना है गूंदते वक्त और कुछ घी डलेगा और नमक डलेगा थोड़ा सा। सबसे पहले इसमें मैंने बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ और फिर तकरीबन 1 चुटकी के करीब, आधा टीस्पून के करीब नमक डालना है। और घी डालना है और घी के साथ इसको अच्छी तरीके से मसल के पहले तैयार करना है। गूंदते वक्त इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और ज़्यादा सख्त हाथ नहीं लगानी, बस इस तरह मिक्स करना है, ज़्यादा इसको आटे की तरह गूंदना नहीं है, बस आपस में चिपकाना है सिर्फ आटे को हल्के हाथ से। चूल्हे पर एक कढ़ाई मैंने रखी है और उसमें 2 कप में पानी डालूंगी। शीरा तैयार करना है, बालूशाही का जो शीरा है उसमें 2 कप ही चीनी डलेगी और 2 कप ही चीनी साथ पानी डलेगा। और शीरा जो है वो आपको साथ साथ बताएंगे कि कितना गाढ़ा करना है। थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डालेंगे और क्रिस्टल ना बने इसलिए इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ेंगे। नींबू इसलिए निचोड़ा जाता है कि जब बालूशाही ठंडी हो जाती है और रखी होती है स्पेयर करके तो उसमें फिर वो क्रिस्टल बन जाते हैं, चीनी दोबारा जो है अपनी असली हालत में आ जाती है और फिर खाते वक्त अच्छी नहीं लगती चीनी जमी हुई, तो ये क्रिस्टल नहीं होने देते। इसमें हमने एक चम्मच जो है वो तकरीबन जो है कलर डालना है फूड कलर ताकि बालूशाही का कलर खूबसूरत सा बने। पानी में थोड़ा सा घोल के मैंने डाल दिया और अच्छी तरह इसको मिक्स कर देना। हमने आटा बनाया था, ये देखें इसको सही तरीके से यानी आटे की तरह नहीं गूंदा था इसलिए इसमें देखें लेयर्स बन रही हैं और जो लेयर्स बन रही हैं उसकी वजह से क्रिस्पी बनेगा और नरम हाथ से इसको बनाना है और इसके दरमियान में होल बनाएंगे ताकि अंदर तक बालूशाही अंदर तक जो है फ्राई हो जाए और अंदर तक जूस भी चला जाए इसका, शीरा जो चीनी का हम तैयार कर रहे हैं इस तरीके से बना बना के रखते जाएंगे। इस तरीके से अंदर से होल बना देंगे। बालूशाही हमने
बना ली है और अब हम इसको तलने के लिए कढ़ाई में ऑयल डालते हैं। ऑयल में तलेंगे नहीं, अब तलने के लिए जो घी रखा है उसमें डाल देंगे, घी गर्म हो चुका है और ये सारी अब डाल के गर्म गर्म घी में तल लेंगे। बस स्लो आंच पे इसको जो है ना हमने फ्राई करना है ताकि अच्छे तरीके से अंदर तक जो है वो फ्राई हो जाए। तो इस तरह हल्का हल्का हिलाते भी रहना। थोड़ी और गोल्डन हो जाएंगी तब निकालनी है, अभी फ्राई हो रही है और साइड पलट के रहना है ताकि अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए अंदर तक। और जो फ्राई होती जाएंगी उनको खीरे में फिर डिप करते जाएंगे। डालते हैं और अंदर तक ताकि हाथ तक खीरा चला जाए। आँच हल्की रखनी है, बहुत हल्की आँच पे इनको डीप फ्राई करना है और अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए ताकि अंदर तक कच्ची ना रहे। स्लो आँच पे फ्राई हो रही है, बहुत आँच बहुत स्लो की हुई है, शुरू में आँच तेज़ होती है, इसमें डाल दें ताकि टूटे नहीं, एकदम वो हो जाए ग्रिप पकड़ लें और फिर आँच हल्की कर देती हूँ। अब ये फ्राई हो गई है, अब हम इनको शीरे में डालते जाएंगे साथ साथ। खीरा ऊपर भी डालेंगे और इनके अंदर तक तक चला जाए। दस मिनट इनको शीरे के अंदर ही रखना है ताकि जितना वो शीरा पी सकते हैं पी लें। बालूशाही हमारी रेडी हो गई है और बनकर बहुत ही मज़ेदार तैयार हुई है। आप भी इस तरीके से बनाएं, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दुआओं में याद रखें। और नेक्स्ट रेसिपी के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगेबान।